कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा राधे कृष्ण राधे कृष्ण जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, जन्माष्टमी का पावन पर्व है, लोगों में उत्साह है, छठा बहुत अनोखी है क्योंकि इस धार्मिक और मनोरम माहौल में क्यों मन ना करे बाहर निकलने का, क्यों मन ना करे दर्शन करने का उस मनोहर प्रतिरूप का, उस मनोहर प्रतिमूर्ति का, जिनके भजन कीर्तन से, जिनके दर्शन मात्र से ही मन आनंदित हो जाता है। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव यानी कृष्ण जन्माष्टमी को पूरा देश मना रहा है और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया भर में इसी तरह से महसूस होती है जैसा कि हमारे भारत में होती है। तो चलिए आइए, यही दिखाने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। तो मेरे साथ आप भी इस खूबसूरत पल के, इस खूबसूरत माहौल के साक्षी बनिए और MH1 की इस खूबसूरत जो शाम है, जो खूबसूरत ये एपिसोड होने जा रहा है, ये खूबसूरत भाग होने जा रहा है, इसको टीवी के सामने बैठकर देखते रहिए और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। आइए दर्शन करते हैं इस्कॉन मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की इस धूम के। रंग है, रौनक है, भगवान है और भक्तों की कतार है, यही तो है असली छठा हिंदुस्तान में जो त्योहारों पर देखने को मिलती है और हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत, सबसे ज़्यादा भक्ति से भरा हुआ ये त्यौहार जिसे कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से जाना जाता है और पूरी दुनिया में इस त्यौहार की धूम है। आज इस्कॉन टेंपल में ये नज़ारा आप खुद देख सकते हैं, दूर दूर से भक्त यहाँ पहुँचे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने भगवान को, अपने कान्हा को, अपने भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर उनको भोग लगाने के लिए। भक्तों का जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है, न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश विदेश से, दूर दूर से यहाँ भक्त आते हैं ताकि अपने भगवान के दर्शन कर सकें और श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर कृष्ण लला को भोग लगाकर अपने इस जीवन को सफल बना सकें। तो ये कतार भक्तों की आगे जहाँ भगवान श्री कृष्ण विराजमान है वहाँ तक जा रही है, लेकिन यहीं से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोगों के बीच यानी भक्तों के बीच जो भगवान के प्रति आस्था विश्वास होती है वो कितनी मजबूत होती है, कितनी प्रबल होती है। तो चलिए, ये सफ़र तो चल ही रहा है, हम आपको और आगे लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर इस्कॉन मंदिर में आखिरकार क्या क्या तैयारियाँ की जा रही हैं, कितने भक्तों के लिए यहाँ पर इंतज़ाम किए गए हैं और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आप तक घर बैठे कैसे पहुँचता है। इसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन सफ़र लगातार जारी है। तो भाई, भगवान श्री कृष्ण के दर्शनों का वक्त आ गया है। हालांकि उनकी जो अवतरण है, उनका अवतरण तो रात में होता है, काली रात में होता है, लेकिन चूंकि तैयारियां जोरों पर हैं इसीलिए लोगों का, भक्तों का जमावड़ा यहां लगा है और अब हम मंदिर में पहुंच गए हैं। आइए आपको भगवान की प्रतिमूर्ति के दर्शन कराते हैं। कितना आनंदित, कितना अलौकिक वो वक्त होगा जब हम अपने भगवान को अपनी आँखों से देखेंगे और मन के भाव भगवान श्री कृष्ण से साझा करेंगे, क्योंकि बस अब वो वक्त बहुत नज़दीक है जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने वाला है और ऐसे में लोग यहाँ भगवान श्री कृष्ण से जुड़ाव महसूस करते हैं। इसीलिए अपने आप को समर्पित करने के लिए इस अलौकिक संसार में, इस लौकिक संसार में अपने भावों से भक्ति को ओतप्रोत करते हुए भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। तो चलिए आपको भी अब दर्शन कराते हैं उस मनोरम छटा के, उस अद्वितीय दृश्य के आपको साक्षी बनाते हैं जिसको देखकर वाकई आप और हम ये महसूस करेंगे कि हम कितने धन्य हैं जो हमारा जन्म इस धरा पर हुआ और हम इस बहुत ही खूबसूरत काल में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के साक्षी बन रहे हैं। और इस वक्त मेरे पीछे संकीर्तन की मधुर आवाज़ भी आपको आ गई होगी। आइए हम भी साक्षी बने और देखें कि भगवान श्री कृष्ण के वशीभूत होकर उनकी कृपा के पात्र बनने के लिए लोग कितने दूर से यहाँ पहुँच रहे हैं।
और कितना आनंद महसूस कर रहे हैं। मेरे चेहरे की खुशी देखकर आपको ये महसूस हो ही गया होगा कि किसी पवित्र जगह पर जब हम पहुंचते हैं तो हमारा मन कितना पवित्र हो जाता है, कितना पावन हो जाता है। आज स्कॉन टेम्पल के, स्कॉन मंदिर के इस प्रांगण में, मंदिर श्री के यूं कह सकते हैं कि गर्भगृह में हम मौजूद हैं और स्वयं भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के दर्शन यहां हो रहे हैं। मैं चाहती हूं कि कैमरे से आप भी भगवान श्री कृष्ण के पावन स्वरूप का दर्शन करें, क्योंकि भक्तों की कतार भी लगी हुई है। भक्त अपने मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति भाव लेकर पहुंचे हैं, क्योंकि अब वो वक्त दूर नहीं जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने वाला है। 16 कलाओं के जो मालिक हैं, जो वंशीधर हैं, जो भगवान श्री कृष्ण लोगों की बातों को बहुत सहजता और सरलता से सुनते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अगर प्रेम की, विश्वास की, आस्था की बात करें तो उनसे बढ़कर सच्ची और अच्छी तस्वीर पूरी दुनिया में कहीं नज़र नहीं आती है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने युद्ध किया तो पूरे मनोभाव के साथ किया, जिन्होंने ये बता दिया कि अधर्म पर धर्म की जीत अगर करनी है तो फिर अपना पराया नहीं देखना होगा, जिन्होंने प्रेम किया तो ऐसा किया कि इस शरीर से बढ़कर, आत्मा से बढ़कर अगर कुछ है तो वो प्रेम है, जिन्होंने अगर भगवान के तौर पर अपने भक्तों पर कृपा की तो ये बताया कि इस दुनिया में, इस पूरे संसार में, इस जगत में अगर कुछ है तो वो भक्त और भगवान के बीच का स्नेह है, प्रेम है। और इसी प्रेम के धागे में बंधकर तमाम भक्त लंबी लंबी कतारों में लगकर लंबा लंबा सफ़र तय करके भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आइए एक बार जोर से सुनते हैं, मेरे साथ बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मज़ा नहीं आया? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कहाँ से आए हैं आप लोग? मैं उड़ीसा से। उड़ीसा से आप दर्शन कर रहे हैं? जी बिल्कुल। क्या महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मन को सुकून मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे वहाँ तो जगन्नाथ जी हैं। तो उस धरती से आई हैं? बिल्कुल। वहाँ सुभद्रा हैं, जगन्नाथ जी हैं, बलदेव जी हैं। यहाँ आकर जन्माष्टमी पर क्या महसूस? बहुत बहुत अच्छा लगा, स्पेशली इसीलिए आया दर्शन के लिए। आनंद मिल रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये बहुत अच्छी, मतलब इससे अच्छा और क्या हो सकता है, लगता है। आप कहाँ से आए हैं? हाँ जी, आप कहाँ से आए? श्रीनिवासपुरी से। अच्छा, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, बाहर से भी अच्छा हो रहा है। हाँ, कुछ देर बैठ के संकीर्तन का आनंद लीजिए। ठीक है जी, ठीक। आप देख सकते हैं भक्तों की कतार। आप कहाँ से आई हैं? गुड़गांव से मैम। क्या महसूस कर रही हैं, कैसा लग रहा है जन्माष्टमी के मौके पर? वेरी पीसफुल मैम। यस यस मैम। क्या बात है, आप क्या महसूस कर रही हैं? आप मांग रही हैं भगवान से? भगवान ने तो आपको यहाँ बुला लिया, सब कुछ मिल गया आपको। भक्ति चाहिए, भक्ति चाहिए। क्या बात है। आप कहाँ से आए हैं छोटे कान्हा? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। कहाँ से आए हैं आप? गुरुग्राम से। कैसा लग रहा है यहाँ के? अच्छा। आपने कान्हा की ड्रेस नहीं पहनी, आप तो खुद ही कान्हा के स्वरूप है। अच्छा लग रहा है यहाँ जी? किसके साथ आए हो? मम्मा। मम्मा भाई, मम्मा भी आ जाए तो अच्छा लगेगा, आप लोग भी आ जाए। भाई हमें ये बताइए, हमें ये बताइए, ये छटा कैसी लग रही है? बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा। आनंद आ रहा? बहुत ज़्यादा। ये बहुत अच्छा लगा। और आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत 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 शुभकामनाएं। और देखिए भक्तों की अपनी जो व्यवस्था है वो ये कि वो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में खिंचकर यहाँ चले आए हैं। और यहाँ आकर तो मेरा भी मन ऐसे करने लगा कि मैं भी स्वयं यहाँ समर्पित हो जाऊँ और अपने आप को, अपने इस जीवन को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करूँ। चलें एक बार भगवान श्री कृष्ण के और राधा जी के इस पावन स्वरूप को जोर से हम बोलेंगे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। क्या मनोरम दृश्य है, भगवान सुसज्जित हैं अपने 16 श्रृंगार के साथ, राधा रानी जी उनके साथ इस खूबसूरत दृश्य को पूरा कर रही हैं। लेकिन ये वक्त है भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का, तो क्यों ना कान्हा से अपने दिल की बात कर ली जाए, क्यों ना कान्हा के साथ अपने मन के भावों को साझा कर लिया जाए। हालांकि भगवान
सबके मन के भावों को समझते हैं, जानते हैं, लेकिन फिर भी जी करता है कि सिर्फ वो सामने हो और हम उन्हें अपनी आंखों से निहारते रहें। ये मधुर संकीर्तन जो कानों में चल रहा है, जो कानों में पड़ रहा है, वो इस जीवन का सबसे सुमधुर, सबसे खूबसूरत पल है जो मैं इस वक्त महसूस कर रही हूँ, जो आप इस वक्त महसूस कर रहे हैं। और आइए, ये दर्शन हम करा रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम कुछ जानकारियाँ भी आज के इस खास दिवस के बारे में, इस पूरे मंदिर के प्रांगण के बारे में जानेंगे। हमारे साथ यहाँ पर तमाम प्रभु जी, पुजारी जी हमारे साथ उपस्थित हैं। आइए उनसे बात भी करेंगे और जानेंगे कि आज का ये समय कृष्ण, जय श्री कृष्णा प्रभु जी। जी बताइए। ये बताइए कि पावन कृष्ण जन्माष्टमी का ये महोत्सव है, यूं तो साल भर भगवान श्री कृष्ण की कृपा के लिए लोग यहाँ आते हैं, आज इस मौके पर क्या कुछ खास हो रहा है? इस वक्त विशेष कुछ खास हो रहा है, भगवान का जन्मदिन मनाया जा रहा है और उसका जन्मदिन का 56 भोग लगेगा, अभिषेक होगा, पूजा होगा, बहुत सारा फेस्टिवल है, बहुत सारे भक्तों का प्रसाद है। कितने लोगों की यहाँ दर्शन करने की उम्मीद, संभावना, कितने लोगों के लिए तैयारियाँ की गई है? यहाँ कम से कम 30,000 लोगों का भी तैयारी बना चुके हैं। हाँ, 30,000 लोग आ चुके हैं यहाँ पे। कितने समय से तैयारियां चल रही हैं, मंदिर की सजावट कब से चल रही है? करीब 1 महीना से चल रहा है। 1 महीने से? हाँ, अभी 1 महीना से सजावट चल रहा है। लेकिन हमने देखा है कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा जिस पर हो जाए उसका जीवन धन्य हो जाता है, तो आप क्या उपदेश देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे जन्माष्टमी के पावन अवसर पर MH1 के तमाम दर्शकों? बिल्कुल आपने सही बोला, जो भगवान कृष्ण के जन्मदिन पे भगवान कृष्ण के जो भक्ति में आ जाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। क्या बात है, तो एक बार मेरे साथ मुझे भी आशीर्वाद मिल जाएगा, बोल दीजिए हरे कृष्णा। बिल्कुल हरे कृष्णा, आप भी भगवान के भक्ति में जुड़े रहें और भगवान से जुड़े रहें। ये हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने खींच लिया, बुला लिया, और ये सौभाग्य हमें मिल रहा है कि हम घर बैठे आपको दर्शन करा रहे हैं। पुजारी जी हरे कृष्णा, बहुत बहुत आभार। और देखिए ये तस्वीरें चहूं ओर, आप देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है, किस तरह से लोग यहाँ आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। इससे ज़्यादा पावन और क्या होगा, इससे ज़्यादा सौभाग्यपूर्ण और क्या होगा कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा, उनका आशीर्वाद हमको मिला और हमें भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम भी भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी के जन्मोत्सव पर इस खूबसूरत क्षण के, इस खूबसूरत पल के भागी बन सकें। और आप भी कैमरे के माध्यम से, इन तस्वीरों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की अलौकिक छटा के, उनके पावन जो तस्वीर है, जो मूर्ति है, जो उनके दर्शन है, उसको अपनी आँखों से महसूस कीजिए और अपने मन की जो भी मुराद है आप MH1 के माध्यम से इस्कॉन मंदिर के इस खूबसूरत प्रांगण में भगवान श्री कृष्ण से जो आप मांगना चाहें, झोली फैलाकर आप भगवान श्री कृष्ण से मांग सकते हैं। और चूंकि भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के इस मौके पर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, जहां एक और भक्तों के आने जाने में उनको असुविधा ना हो, ये तमाम जो कतारें हैं वो बहुत अच्छे से डिज़ाइन की गई हैं। इसके अलावा भक्तों के प्रसाद का भी बहुत खूबसूरत इंतज़ाम किया गया है, लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुँचते हैं और भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करते हैं। आइए हम भी इस संकीर्तन को अपने इस कैमरे में कैद करें, क्योंकि जीवन का सार यही है, जीवन तभी संगीतमय होता है जब भगवान का भजन हो, भगवान की कृपा तभी हो पाती है जब भक्त अपने आप को सर्वस्व समर्पित कर दे। आइए हम भी भागी बनते हैं उस संकीर्तन के, और थोड़ी देर आप भी मेरे साथ इस भजन का, इस खूबसूरत मंत्रोच्चारण का आनंद उठाइए। कहते हैं कि भगत के वश में है भगवान, और ये बिल्कुल सही बात है। हमारे मन में सच्ची आस्था हो, सच्चा विश्वास हो, तो भगवान स्वयं हम तक पहुंचते हैं। भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस महोत्सव पर जहां भक्तों का बड़ा जमावड़ा देखने को मिल रहा है, दूर दूर से भक्त यहां पहुंच रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के साक्षी बनने के लिए, वहीं
इस खूबसूरत पल के साक्षी बनने के लिए हम भी यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि इस वक्त यहाँ तैयारियाँ चल रही हैं, पुष्पों की जो सजावट है उसकी तैयारियाँ यहाँ चल रही हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के स्वागत के लिए, जी हाँ, क्योंकि उनके प्रागट्य दिवस का ये उत्सव है, महोत्सव है, उनके स्वागत के लिए भक्तों की ओर से ये तमाम तैयारियाँ स्कॉन मंदिर में चल रही हैं। फूल मालाओं से सजावट की जा रही है, पुष्प पत्तियों से स्वागत की जा रही है, और किस तरह से इस पूरे प्रांगण को पावनता के साथ, शुद्ध मन के साथ सजाया जा रहा है। ये पंडाल जहाँ पर अभिषेक किया जाएगा, आरती की जाएगी, भगवान श्री कृष्ण का जलाभिषेक यहाँ किया जाएगा उनके आगमन के समय पर, तमाम जो डोनर्स हैं, या यूँ कहा जा सकता है कि जो खुद इस मंदिर की सेवा में जुटे हुए हैं, उन लोगों के लिए ख़ास तौर से ये पंडाल बनाया गया है। और आप देख सकते हैं तैयारियाँ किस तरह से ज़ोरों पर हैं। ये वैसे तो टेम्प्रेरी पंडाल है, लेकिन यहाँ पर वो तमाम सुविधाएँ हैं, तमाम वो विशेषताएँ हैं जहाँ पर, ये देखिए इतना खूबसूरत कमल स्वरूप, जिसे ब्रह्म कमल भी कहा जाता है, इस तरह के तमाम खूबसूरत पॉन्ड्स यहाँ पर लगाए गए हैं। ये वो खूबसूरत सा एक जिसे कहा जा सकता है पॉन्ड है, वो ये कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जलाभिषेक किया जाएगा। और ये तैयारियाँ, ये सजावट इस वक्त ज़ोरों पर हैं, क्यों ना हो, दूर दूर से जब लोग यहाँ आ सकते हैं तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की जो उनकी लीलाएं हैं, जो झांकियाँ हैं, वो देखने के लिए लोग यहाँ पहुँचते हैं, तो सजावट से मन को और सुकून मिलता है, और भगवान को भी ये लगता है कि वाकई भक्त मेरी भक्ति में सराबोर हैं, तो उनकी मनोकामना क्यों ना पूर्ण की जाए। तो आइए हम भी इस सजावट को देखते हैं और ये महसूस करते हैं कि भाई भगवान श्री कृष्ण का जो आगमन है वो अब बहुत जल्द होने वाला है, और उन्हीं के आगमन को लेकर इस्कॉन मंदिर में ये तमाम तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। तो जब भगवान का जन्म होता है, जब भगवान श्री कृष्ण का इस धरती पर आगमन होता है, तो खूब धूम होती है, खूब खुशियां मनाई जाती हैं, गाजे बाजे के साथ, खूबसूरत झांकियों के साथ, और मिठाइयां बांटकर उनका इस धरा पर स्वागत किया जाता है। तो ये तमाम तैयारियां उसी के लिए हैं, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा तो ये जो बर्फियाँ हम देख रहे हैं, ये जो मिष्ठान हम देख रहे हैं, ये भगवान श्री कृष्ण के आगमन की खुशी के लिए हैं। एक दूसरे का मुँह मीठा कराकर भक्त भगवान श्री कृष्ण के आगमन की, उनके जन्म उत्सव की खुशियां मनाते हैं, और तैयारियां जोरों पर हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मिठाइयों का भंडार यहां पर लगा हुआ है, और मिठाइयां लगातार यहां बढ़ती ही जा रही हैं, क्योंकि हो भी क्यों ना, ये वो पावन पल है, ये वो महत्वपूर्ण क्षण है जहां पर भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर सभी लोग, सभी भक्त एक दूसरे को मिठाई खिलाकर उस पावन क्षण के साक्षी बनेंगे। तो भाई टीवी के जरिए तो आप स्कॉन मंदिर के, स्कॉन टेम्पल के और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा तो उनकी झांकियों के माध्यम से आप सब जो खूबसूरत, जो अलौकिक छटा है उसको भी महसूस करेंगे। लेकिन जब हम यहाँ इस मंदिर में पहुँचते हैं, लोगों का कतार हमने यहाँ देखी, लोगों का जमावड़ा हमने यहाँ देखा, उनके लिए क्या कुछ विशेष तैयारियाँ की गई हैं, क्या कुछ इंतज़ाम किए गए हैं, इसको जानने के लिए आइए हम बात करते हैं। हमारे समक्ष उपस्थित हैं प्रभु जी संदीप जी, जो ये तमाम व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। संदीप जी, हमें प्रभु जी ये बताइए कि क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ खास इंतजाम जन्माष्टमी के पावन उत्सव को लेकर किए गए हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो मंदिर का अरेंजमेंट है या टाइमिंग्स हैं, सबसे पहले तो होता है कि मंदिर का जो सुबह खुलने का वक्त होता है वो होता है 4:30 बजे मंगला आरती, जिसमें भक्त लोग 3:30 बजे से लाइन में लगते हैं, जर्नल लाइन में लगते हैं, कुछ पासिस होते हैं सेलेक्टेड देने के लिए। मंगला आरती के बाद होते हैं हमारे भगवान का पूरा श्रृंगार होता है, जैसे मंगला आरती तो एक कोई नई ड्रेस, बट एक पूरी फुल जो ड्रेस जन्माष्टमी की रहती है वो रहेगी 7:15 अराउंड, और अगर थोड़ा सा लेट होता है तो 8:00 तक होता है, वो दर्शन रहेंगे। उस दर्शन के बाद पूरा दिन मंदिर खुला रहेगा, और रात को फिर भगवान का अभिषेक होता है, जो कि रात को 12 बजे, आपको जैसा कि पता है कि भगवान जी के बिल्कुल बिल्कुल। और इसको मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि भीड़ भी ज़्यादा होती है, तो पासिस होते हैं, एक तो जनरल पब्लिक हो गई एक साइड से, उनका एंट्री एग्ज़िट हो गया, दूसरा होते हैं डोनर्स, तो डोनर्स के लिए भी एंट्री एग्ज़िट है। जैसे आप ये पूरा पंडाल देख रहे हैं, तो यहाँ पे इस पंडाल में सब डोनर्स जो आएंगे वो अभिषेक करेंगे, वो अभिषेक करेंगे, भगवान का अंदर दर्शन करके आएंगे। और एक होता है स्पेशल इन्विटेशन, तो स्पेशल इन्विटेशन में क्या है,
जो भी भक्त लोग आएंगे वो दर्शन करेंगे और दर्शन करके वो भी निकलेंगे, उनका भी अलग अरेंजमेंट है। तो तीनों का है कि किसी को भी हम मतलब ऐसा ना महसूस होना दें, सबके भगवान हैं तो सबके लिए है। बाकी अगर बात करें सजावट की तो थाईलैंड से फूल आता है, ऑर्किड, हर चीज़ आती है अलग अलग तरीके से आती है। और आप अरेंजमेंट देख ही रहे हैं, लगभग एक डेढ़ महीने से हमारा चल रहा है। बाकी सिक्योरिटी हो गई हमारी, दिल्ली पुलिस हो गई हमारी, उनके भी जवान हैं यहाँ पे, पूरा तैनात है, पूरी ऑल ओवर पूरा सिक्योरिटी उन्होंने टेक ओवर किया हुआ है। तो यही है मंदिर के बारे में। बाकी रात को अभी लाइटिंग होगी तो आपको जानेंगे ही आप कि कितना अच्छा है। बाकी अरेंजमेंट तो आप देख ही रहे हैं। और इस बार ही गर्मी को मद्देनज़र रखते हुए पूरा पंडाल ही एसी पंडाल दिया है। प्रभु जी, एक और बात आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि कई बार आम लोग ये सोचते हैं कि बहुत दूर का सफ़र तय करके आते हैं, पता नहीं एंट्री मिले ना मिले, तो अगर पासेस की बात है तो किस तरह से उपलब्ध हो सकते हैं, ये एक आम जनता के लिए एक जानकारी के तौर पर आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे। आम जनता के लिए यही है कि वो एक भी कोई भी संस्थान होती है, वो जो भी कोई एक संस्थान से जुड़ता है तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन सब कुछ पता लग जाते हैं। जैसे ये एक इस्कॉन एक संस्थान है, तो जब यहाँ जुड़ेंगे तो पासिस का हर चीज़ का अरेंजमेंट, क्योंकि देखो जान पहचान होगी तभी तो होगा सब कुछ। अब जनरल पब्लिक जुड़ेगी तभी क्या। अब ऐसा नहीं है कि जनरल पब्लिक, सबसे बड़ी बात, पासिस वाले पीछे से दर्शन करेंगे जो स्पेशल इन्विटेशन है, डोनर्स वाले आगे से करेंगे, बट बीच में से करेंगे आपके जनरल पब्लिक। तो स्पेशल इन्विटेशन वाले पीछे कर रहे हैं, जनरल वाले आगे से कर रहे हैं, तो हमने जनरल वालों को आगे रखा है प्रेफरेंस, क्योंकि हाँ बिल्कुल। और वो सबसे बड़ी बात, वो इतनी दूर से आएंगे, पैदल चल के आएंगे, लाइन में आएंगे, वो तो उनके लिए तो स्पेशल अरेंजमेंट होना ही चाहिए। अच्छा, पार्किंग वार्किंग की सुविधा यहाँ किस तरीके से है, क्योंकि लोग कई बार डरते हैं, अरे नहीं बहुत भीड़ रहती है, पार्किंग होगी नहीं होगी, तो कैसे आए कैसे नहीं आए। पार्किंग की अगर हम बात करें तो पार्किंग के लिए ऐसा है कि जो डोनर्स हैं उनको कुछ सेलेक्टेड कार पास दिए हैं, तो वो तो अपनी कार मंदिर तक लेके आएंगे। बाकी जो है व्यवस्था हमने पूरे मतलब अगर आप देखे जाएं तो हमारा मेन रोड जो है वहाँ पे व्यवस्था बनाई हुई है कार पार्किंग की, वो कार पार्किंग कर सकते हैं और वहाँ से वॉक करके लाइन में आ सकते हैं, मतलब जिसको जहाँ जगह मिले वो वहाँ। हाँ जी हाँ जी, वो दिल्ली पुलिस का पूरा गाइडेंस होती है कि आप कैसे पार्किंग लगाएं, पूरा एरिया स्पेसिफाइड है मेन रोड पे, तो वहाँ पे है। बहुत बहुत आभार प्रभु जी, आपने बहुत अच्छी बात हमें बताई है, और सच कहें तो जी करता है कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में यूं ही बैठे रहें, और ये तमाम तैयारियां देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि सच में जब मन में भाव होते हैं, जब मन में भक्ति होती है, जब मन में प्रेम होता है, तो भगवान को स्वयं धरती पर अपने भक्तों के लिए आना ही पड़ता है। और ये वो क्षण है जब स्वयं 16 कलाओं के मालिक और भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण स्वयं यहाँ पहुँचे और भक्तों का उन्होंने उद्धार भी किया, उन्होंने अधर्म पर धर्म की विजय किस तरह से होती है ये सबको बताया, असत्य पर जीत, सत्य की जीत कैसे होती है ये सबको बताया, और उन्होंने ये भी बताया कि कर्म सबसे महत्वपूर्ण है, कर्म करते रहिए, ईश्वर की कृपा आप पर बरसती रहेगी। तो हमारे इस इस्कॉन मंदिर के इस विशेष संभाग में मुझे उम्मीद है कि आपने तमाम तैयारियां देखी और इस तरह से जन्माष्टमी के पावन उत्सव को घर बैठे भी आपने आनंद के साथ जिया। अगर आप इस्कॉन मंदिर में आना चाहते हैं तो आपके लिए भी, यानी आपके और हमारे आम जन के लिए भी, ये दरबार, भगवान श्री कृष्ण का ये दरबार खुला हुआ है, आप यहाँ आएँ, भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के साक्षी बने और भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद को प्राप्त करें। हम यही कहेंगे कि MH1 के माध्यम से एक बार पुनः हम अपने तमाम दर्शकों को जन्माष्टमी के पावन पर्व की ढेर शुभकामनाएं देते हैं। आप इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और भगवान श्री कृष्ण की तरह इस जीवन को कर्म योगी बनकर जिए और मन में सभी के लिए प्रेम रखिए। लेकिन हाँ, अधर्म पर धर्म की जीत के लिए जो मार्ग तय भगवान श्री कृष्ण ने किया था उस पर चलते रहिए, तो ये जीवन साकार होगा। तो एक बार मेरे साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन उत्सव पर घर बैठे ही जोर से जयकारा लगाइए और कहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। तो इस्कॉन मंदिर में हम लगातार आपको दर्शन करा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि जन्माष्टमी के इस पावन पर्व को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं। भक्त यहाँ पहुँचे हुए हैं, भगवान की प्रतिमूर्ति के भी आपने दर्शन किए, लोगों से भी हमने बात की, भक्तों से भी हमने बात की, लेकिन अब देखिए कि इस मनोरम छटा में लोग यहाँ कितनी बड़ी संख्या में उपस्थित हैं। और ये खूबसूरत जो समय इस वक्त आप देख रहे हैं, ये इस्कॉन मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के आगमन से पहले का समय है, भगवान श्री कृष्ण के आगमन से पहले की
वो तमाम तैयारियां हैं जो इस मंदिर में की जा रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद नज़र आ रही है। हर जगह पर जहां पर भक्त नज़र आते हैं वहां पर पुलिसकर्मी भी उपस्थित हैं। उसके अलावा आने जाने की तमाम व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं और किस तरह से लोग यहां पर आनंदमय होकर इस अलौकिक नज़ारे को अपनी आँखों में समो रहे हैं, ये भी आप यहाँ पर महसूस करें और ये देखें कि भगवान जहाँ होते हैं भक्त वहीं होते हैं, या यूं कहा जाए कि भक्त जहाँ होता है भगवान स्वयं वहीं पहुँच जाते हैं। तो अपने भक्त को दर्शन देने के लिए भगवान श्री कृष्ण तो धरती पर जन्म लेने ही वाले हैं, लेकिन भक्त भी अपने भगवान को रिझाने के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में उपस्थित हैं। कोई यहाँ भगवान कृष्ण की मूरत ले जा रहा है, कोई उनके खूबसूरत वस्त्र खरीद रहा है, तो कोई उनके सजावट के लिए साजो श्रृंगार का सामान ले रहा है। ये तमाम जो माहौल इस वक्त आप देख रहे हैं ये भक्तों की कतार है। भक्त यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अपने अपने भगवान के लिए जो मन की चीज़ें हैं, जो उनके उनको तैयार करने के लिए श्रृंगार के सामान हैं, तिलक यहाँ पर है, वस्त्र यहाँ पर है, ये तमाम चीज़ें हैं जो भक्त यहाँ पर पूरी श्रद्धा के साथ लेने पहुँचे हैं। और छटा वाकई अलौकिक और अनूठी ही नज़र आ रही है, क्योंकि माना जाता है कि भगवान में जान तभी आती है जब भक्त उनमें प्राण फूंकते हैं अपनी भक्ति के। तो भक्त यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और क्या क्या लिया है आपने? ये कानों के वो लिए हैं, कानों के कुंडल भी लिए हैं। क्या बात है, अरे वाह, ये देखिए भगवान कान्हा के लिए खूबसूरत लड्डू गोपाल जी के लिए पगड़ी भी ली है और ये बांसुरी के बिना, तो भाई भगवान श्री कृष्ण जो है वो बांसुरी के बिना अधूरे नज़र आते हैं। जहाँ राधा के बिना अधूरे हैं वहीं बांसुरी के बिना भी भगवान श्री कृष्ण अधूरे नज़र आते हैं। तो ये सब तैयारियाँ जो हैं वो जन्माष्टमी को लेकर चल रही है। आपने क्या ख़रीदा है? मैं वस्त्र खरीदने आई हूँ लड्डू गोपाल जी के लिए। हाँ, मेरे पास युगल जोड़ी भी है, तो युगल जोड़ी के और दोनों के वस्त्र खरीदने आई हूँ। कैसा लगता है जब जन्माष्टमी आती है तो क्या महसूस करते हैं? बहुत अच्छा लगता है, अपना सा लगता है। ठीक है, मैं उनको बहुत मानती हूँ, उनके वस्त्र चेंज करती हूँ हर हफ्ते। ठीक है, वर्किंग होने के बावजूद तो मुझे बहुत प्यारे लगते हैं वो, मतलब प्यार है मेरे को। ये आपके बेटे हैं, तो ये तो स्वयं कान्हा के स्वरूप हैं। तो बेटा आपने नहीं वस्त्र खरीदे, कान्हा वाले लेंगी मम्मी अभी खरीदेंगी। अब जिद करना कि मैं भी कान्हा बनूंगा। ठीक है, क्या बात है। तो चलिए ये देखिए, भक्तों में भाव जब होता है तो तमाम भक्त यहाँ पहुँचते हैं। एक और आंटी जी हमारे साथ है, बहुत सारे पैसे गिन रही हैं, क्या बात है। और मैं तो इतने सारे पैसे देख के इनकी ओर आकर्षित हो गई। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। कहाँ से आई आप इतने सारे पैसे लेके? हर कृष्णनगर से। क्या क्या खरीद लिया आज आपने? गोपाल के कपड़े, झूला खरीदे हैं और झूला भी लिया है। क्या बात है भाई, कान्हा जी झूले में विराजमान होते हैं तो बड़े अलौकिक नज़ारा तो होता ही है और भगवान श्री कृष्ण स्वयं बड़े खुश होते हैं। जी, और क्या लिया आपने? बस बाल मुकुट, उनका माला। तो पूरे सजावट की तैयारियां पूरी कर ली आपने? जी हां जी। मिठाइयां बना ली कि नहीं? अभी नहीं, अभी घर जाके बनाएंगे। घर जाके बनाएंगे? हां जी। तो भाई कब बनाएंगी? अब तो समय आ रहा है, जल्दी से बनाइए। जमाना है रेडीमेड का जमाना है, लेकिन चलिए मन में भाव होना बेहद जरूरी है। तो ये तमाम दृश्य आप देखिए, किस तरीके से लोग यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं, अपने भगवान को रिझाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। ये वाकई तस्वीरें मनोरम है, अलौकिक है। इससे ज़्यादा पावन और क्या होगा, इससे ज़्यादा सौभाग्यपूर्ण और क्या होगा कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा, उनका आशीर्वाद हमको मिला और हमें भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम भी भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी के जन्मोत्सव पर इस खूबसूरत क्षण के, इस खूबसूरत पल के भागी बन सकें। और आप भी कैमरे के माध्यम से, इन तस्वीरों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की अलौकिक छटा के, उनके पावन जो तस्वीर है, जो मूर्ति है, जो उनके दर्शन हैं, उसको अपनी आँखों से महसूस कीजिए और अपने मन की जो भी मुराद है आप MH1 के माध्यम से इस्कॉन मंदिर के इस खूबसूरत प्रांगण में भगवान श्री कृष्ण से जो आप मांगना चाहें, झोली फैलाकर आप भगवान श्री कृष्ण से मांग सकते हैं।